वहीं बल्लभगढ़ से तिगांव विधानसभा को जोड़ने वाली सड़क की हालत बेहद खराब है। खराब सड़क के चलते वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, जिसको लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। हम खड़े हैं तिगांव विधानसभा के नीमका गांव में। आप देख सकते हैं रोड के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पुराने काफ़ी समय से पूरा रोड टूटा हुआ है, जिससे कि लोगों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आए दिन रोड पे दुर्घटनाएं बनती रहती हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि इस रोड का आने जाने के लिए डेली यूज़ करते हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? नरेंद्र नागर। नरेंद्र नागर जी, रोड के क्या हालात हैं? बिल्कुल भैया डैमेज हुआ पड़ा है। कितने समय से खराब पड़ी है रोड? एक डेढ़ साल से तो ऐसे ही देख रहे हैं हम। एक डेढ़ साल से? हाँ जी, एक डेढ़ साल से खराब पड़ा है। बात करी जाए पूरे तिगाम के इस रोड की, तो कहीं पे काम चालू हो पाया है? नहीं जी, अभी कोई काम चालू नहीं कहीं है। बात करें कि रोड की वजह से दुर्घटना का क्या? ये तो रोज की होती है जी, डेली वेज रोज की दुर्घटना है। रोज कोई ना कोई गिरना, रोज किसी की मोटरसाइकिल पहिया टूटना, रोज का काम है यहाँ पे। इसकी कहीं पे शिकायत दर्ज कराई गई है? नहीं जी, अभी हमने तो कराई नहीं है जी। देखो हम क्यों झूठ बोल रहे हैं अभी। तो आइए बात करते हैं और हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सुखबीर नागर जी। नागर साहब, रोड के क्या हालात हैं? हालात बिल्कुल डैमेज है जी। बिल्कुल डैमेज है? हाँ जी। बात करी जाए बल्लभगढ़ से लेके तिगांव तक की, सैकड़ों गांव को ये रास्ता